आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है एमिका कॉमेडी तड़का के नाम से। लिंक आपको उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एवरी वीक फनी फनी वीडियो उसमें लाती रहती हूँ। चलिए बिना देरी के बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हर्षदा जी का। हाय हर्षदा जी, वो बोल रहे हैं कि हाय एमी, विल इट बी अ गुड आइडिया टू बाय फ्लैट इन तलोजा? आई एम कंफ्यूज्ड, कैन यू हेल्प मी? और एक उनका एक और क्वेश्चन है डेवलपमेंट बेसिस पे, वो पूछ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स डिनाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो तलोजा में आप बेशक ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर आपका जो बजट है बहुत अच्छा है, अच्छा बजट है आपका। आप खारघर में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खारघर में आपको अच्छा रहेगा, ज्यादा क्लोज आप मेट्रो के आ सकते हो। तलोजा में भी मेट्रो आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नो डाउट, लेकिन खारघर ज्यादा बेटर है अगर आपका जो बजट है वो अच्छा है तो। और अगर आप पनवेल में देख सकते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, पनवेल इज ऑल्सो वेरी गुड। और डेवलपमेंट के हिसाब से बोल रही हूँ, और एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन था वो, अब नहीं है मेरा, मैंने जो आपको बताया था वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला वो रेडी हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे भी देख सकते हो, तलोजा में भी देख सकते हो, मेट्रो आ रही है तलोजा में, एक प्लस पॉइंट है जो कि बेलापुर को कनेक्ट करती है। और भी फ्यूचर में और भी प्लानिंग है, और वहाँ का स्पेशली एरिया जो बहुत खुला खुला है वो मुझे अच्छा लगता है। सो आप वो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन के रेडी है, बहुत सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारे ऐसे भी जो बन के रेडी है, तो आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और फिर पनवेल भी एक ऑप्शन है, वो भी आप जरूर चेक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाति। हाई, वो बोल रहे हैं कि मैम LG 7 kg फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हैवी डबल बेड ब्लैंकेट वॉश करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कितना केजी चाहिए ब्लैंकेट के लिए? मैंने जो अभी रिसेंटली एक वीडियो पर अपलोड किया था कि हैवी ब्लैंकेट को कैसे धोया जाए, मेरी भी किंग साइज वाली ब्लैंकेट मैंने 6.5 kg की मशीन में धोई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैवी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6.5 मशीन में आराम से आ गई। आपकी तो 7 kg है डियर, आपका जो कैपेसिटी है मशीन का बहुत अच्छा है, आप आराम से किंग साइज की ब्लैंकेट आराम से धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद फिरोज आलम जी। हाय, वो बोल रहे हैं कि व्हाट्स योर बेडरूम डायमेंशंस? मेरा जो बेडरूम का साइज है वो मैंने किया था टूर बेडरूम का, उसका साइज है 10x12 स्क्वायर फीट, ठीक है। नेक्स्ट है शाश्वत कुमार। हाय, वो बोल रहे हैं कि मैम 6.5 kg वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े डाल सकते हैं, जीन्स और फुल टी शर्ट्स? ऐसे तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा कि कितने कपड़े डाल सकते हैं, अगर चाहिए तो मैं एक वीडियो बना लूंगी उसमें बता दूंगी कि जीन्स और शर्ट आप कितने, केवल जीन्स और शर्ट्स कितने डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे ना, 4 या 5 इंच का आपको गैप छोड़ना है, आपके टब में उतना गैप रहना चाहिए क्योंकि कपड़े हिलते हैं और अच्छे से वॉश होते हैं। अगर आप उतना गैप नहीं छोड़ेंगे, फुल टब भर लेंगे ना, तो आपके कपड़े ठीक से नहीं धुलेंगे और फिर साबुन भी जो डिटर्जेंट भी कपड़े में चिपका रह जाएगा, तो इसके लिए उतना गैप छोड़ना जरूरी है। उतना गैप छोड़ के जितने कपड़े आ रहे हैं उतना आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दिवेश। हाय, वो बोल रहे हैं कि शुड आई बाय मीवी डियोपॉड्स MET और बोट 281 प्लीज रिप्लाई। डेफिनेटली गो फॉर मीवी डियोपॉड्स MET, इट्स ऑसम गाइस, मैं डेली उसको यूज कर रही हूँ। एक्चुअली यू नो आज तक का मेरा सबसे अच्छा डियोपॉड्स ईयरफोन्स आप बोल सकते हो, मेरा सबसे बेस्ट ईयरफोन्स है, तो आप डेफिनेटली जाइए। अ बिग थम्स अप From my side to Mevi Diopods MET, okay? Next है नीता जी। हाय, वो बोल रहे हैं कि कैन यू शो 1 BHK? डियर मैंने 1 BHK का भी टूर कराया है, आप चेक कर लीजिए मेरे वीडियोज में, होम टूर वाले वीडियोज प्लेलिस्ट अगर आप प्ले करोगे तो उसमें मैंने 1 BHK का भी टूर कराया, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी। हाय शालिनी, एंड शालिनी थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच। वो बोल रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन, When you're doing something good, neighborhood and कुछ relative demotivate तो करेंगे, how can you overcome it? It's a very good question. हर फील्ड में आप कुछ ना कुछ करने जाते हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो YouTube हो, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई जॉब की तलाश में हो, चाहे आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, लेकिन फिर कुछ नेबरहुड होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव होते हैं जो हमें ऐसा बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहा आजकल,
ये घर पे ही बैठा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे सब उनका थिंकिंग माइंडसेट होता है। लेकिन उनको क्या पता है कि ये बंदा क्या कर रहा है घर पे बैठ के। वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, 100% अपना फोकस पढ़ाई पे दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ पार्ट टाइम जॉब कर लो, पार्ट टाइम पढ़ाई कर लो। ना आप जॉब ठीक से कर पाओगे, ना पढ़ाई ठीक से कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप ध्यान मत दो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, नेबरहुड क्या बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, मायने नहीं रखता है। क्योंकि ये लोग ना सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, इनको बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो। आपको मायने रखना चाहिए आपकी पढ़ाई, जो भी आप फोकस कर रहे हो, जिस भी चीज में आप फोकस कर रहे हो वो आपके लिए प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और आपकी फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी रहनी चाहिए। बस इन दोनों को छोड़ के आपके लिए और कोई भी प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए। और जो भी आप चीज कर रहे हो, आप 100% अपना फोकस उस चीज में डालो, 100% आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। बस आप जब कर रहे हो, आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी देर पढ़ाई कर रहे हो, आपको 100% अपना फोकस जो है वो चीज में डालना है। आपको बाकी कुछ नेगेटिव थॉट दिमाग में आपके नहीं आने चाहिए, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई कुछ बोलता है, जस्ट क्या कर रहे हो आप, कोई आंटी अंकल कोई आके बोलते भी है, क्या कर रहे हो आप बेटा, पढ़ाई कर रही हो आंटी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, ऐसे करके आप बस उस चीज को इग्नोर करो। आंटी भी अंकल भी चुप हो जाएंगे और आपका काम भी बन जाएगा, और आप पॉजिटिव भी रहोगे। पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस सिंपल चीज है, इग्नोर करो और खुश रहो और फोकस करो 100% जो भी चीज में आप करना चाहते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करनी है, आपको इग्नोर करना है, ठीक है, आपको बस इग्नोर करना है। नेक्स्ट है किशोर गावड़े जी, हाय। वो बोल रहे हैं कि घर छान है पर पैसे कितनी। ओके, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा घर उसके लिए। अगर प्राइसिंग में बात करो तो 2 BHK वहाँ पे 45 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आयुषी शर्मा, हाय आयुषी। वो बोल रहे हैं कि मैम किसी प्लास्टिक कूलर में ड्रेन प्लग नहीं हो, क्या करे, कैसे निकाले गंदा पानी। कूलर में ना जैसे कोई भी कूलर हो, आपको कहीं ना कहीं से तो ड्रेन का ऑप्शन दिया ही गया होगा, या फिर ओपन करके कुछ ड्रेन करने का या क्लीन करने का ऑप्शन जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कूलर में वो ऑप्शन ना हो, क्योंकि डेफिनेटली कुछ तो होगा। अगर ड्रेन का कुछ नहीं है जगह, नीचे साइड में चेक करो, अगर नहीं है जगह तो फिर कुछ तो खोलने का ऑप्शन होगा, खोल के भी आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रेशमा कृपान, हाय रेशमा। वो बोल रहे कि What is 1RK flat price? See, 1RK flat price मैंने वहां पे अभी तक नहीं देखा है, तो मैं देखूंगी तो जरूर आपको बताऊंगी कि 1RK का कितना प्राइस है। अगर मुझे मिलता है टूर उसका करने के लिए, तो मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जहां पे मैं 1RK का भी टूर आपको बताऊंगी वो एरिया में। काफी लोग की रिक्वेस्ट आ रही है एक्चुअली कि 1RK का बताइए, तो मैं जरूर उसका, मैं कोशिश करूंगी कि 1RK का मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर हाँ मैं आपके सवाल का जवाब नहीं लेकर आ पाई, तो पॉसिबल नहीं होता है कि सभी के सवाल लूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं वीडियो लंबा नहीं करती हूँ। कुछ बेसिक सवाल लेती हूँ जो सभी के काम आते हैं, वैसे सवाल मैं लेती हूँ। और आपके मन में भी वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके सवालों का जवाब लेके आती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।